हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मटर पनीर। वैसे तो मटर पनीर काफ़ी तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो हम बिल्कुल ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाने वाले हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। इसमें ना हम काजू का इस्तेमाल करेंगे, ना क्रीम का और ना ही दही का। किचन के बेसिक मसालों से आज हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। उसके बावजूद जो ग्रेवी है वो एकदम थिक और रिच बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड स्पेशल्स। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई में हम लेंगे 1.5 से 2 चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन कर देंगे और उसको हल्का सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको हमने रफली चॉप कर लिया है, उसको हल्का सा सोते करेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम उसमें ऐड कर देंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, ऐसे काट लिया रफली। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, उनको भी हल्का सा चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी हरी मिर्ची। ये ऑप्शनल है, यदि आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इसको भी रफली चॉप कर लिया है मैंने। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच के लगभग नमक मैंने ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने से जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको हल्का सा मिक्स करके इसको हम ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। चार से पाँच मिनट के बाद ये देखिए जो टमाटर हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हल्की सी पक गई हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सबको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसको अच्छे से मैंने देखिए पीस लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच के लगभग ऑयल लेंगे, उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, जीरे को हल्का सा छटकने देंगे। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, इसको चलाते हुए साथ में ही हम इसके ऐड कर देंगे जो प्यूरी हमने बनाई थी ऑनियन टमाटो वाली, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ऑयल में, इसको हमें अच्छे से भूनना है। उससे पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के और जो बची हुई प्यूरी है वो भी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा बाहर छटक के आती रहती है, तो कंटिन्यू इसको चलाते रहें। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे, बेसिक मसाले, जैसे कि 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो इसका कलर थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, हमें थोड़ा इसको रेड रखना है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आप चाहें तो ऐसे खुला भी पका सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा छटक के बाहर आती है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि इस पर ढक्कन लगाएं और इसको 4 से 5 मिनट तक पकने दें। बीच बीच में इसको चलाते रहें। कुछ टाइम के बाद ये देखिए जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी और ये गाढ़ी हो जाएगी और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, ये देखिए। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे मटर। ये 1 कप के लगभग मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं या फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, मैंने फ्रेश मटर लिए हैं। मटर को आप हल्का सा बॉयल करके भी डाल सकते हैं इसमें,
उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक कप के लगभग पानी और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगा के हमें इसको 7 से 8 मिनट तक पकाना है, या जब तक कि जो मटर हैं वो अच्छे से गल ना जाए। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और फिर से दोबारा से ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। यदि ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाती है तो इसमें आप थोड़ा बहुत गर्म पानी बीच बीच में मिक्स कर सकते हैं। मटर अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये मैं कच्चा ही पनीर ऐड कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास फ्रेश पनीर था, ये होममेड पनीर है मेरा, मैंने घर पे बनाया था तो मैंने सीधा इसमें ऐड कर दिया है। यदि आप फ्रीज में रखा हुआ पनीर यूज़ कर रहे हैं तो आप आधे घंटे पहले उसको किसी बर्तन में गर्म पानी लेके उसमें रख दीजिए, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। पनीर लास्ट तक सॉफ्ट बना रहता है उससे। हल्के हाथों से पनीर को इसमें मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप पानी इसमें मिला सकते हैं, जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, गाढ़ी चाहिए, पतली चाहिए, उस टाइप से हम ग्रेवी को रख सकते हैं। यदि आपको चावल वगैरह के साथ खानी है तो हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यदि पूरी रोटी वगैरह के साथ, नान के साथ खानी है तो हम थोड़ी सी ग्रेवी को थिक रख सकते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के लगभग गरम मसाला। और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लगभग हमें पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। पनीर को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, पनीर बहुत जल्दी पक जाता है। तीन चार मिनट के बाद ये देखिए जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। जब ग्रेवी में से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बनके रेडी है। ये देखिए कितनी थिक और हैवी ग्रेवी बनी है। इसमें ना ही हमने क्रीम का यूज़ किया है, ना ही इसमें हमने काजू वगैरह डाले हैं, और ना ही इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है, बिना दही वगैरह के। और ये कितनी अच्छी और गाढ़ी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और इसमें हमने कोई भी ऐसे स्पेशल मसाले यूज़ नहीं किए हैं, बेसिक से मसाले जो हर किचन में अवेलेबल रहते हैं वही हमने डाले हैं। तो आप भी घर पे एक बार ये रेसिपी ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट अनफोल्ड स्पेशल्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।